ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में राहु दस्तक देगा, लेकिन राहु जब दस्तक देता है तो जीवन में कई सारे बदलाव लेकर आता है। तो आज आप जान लें इस वीडियो के माध्यम से कि राहु कब दस्तक दे रहा है, कैसे दस्तक देता है और क्या चीज़ें बदलती है, और हम इस दस्तक को कैसे हमारे जीवन में कुछ भी इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं हो उसके लिए हमें कौन से उपाय करना चाहिए, कौन से तरीकों को अपनाना चाहिए जिससे राहु के जितने सारे प्रभाव है वो हम पर नहीं पड़े। क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है जिसकी चाल, जिसकी हर एक चीज़ आपको खतरे में डाल सकती है, आपके जीवन में कई सारे उथल पुथल ला सकती है। राहु जब भी जीवन में दस्तक देता है तो हमारे काम अचानक बनना बंद हो जाते हैं, जो काम चल रहे हैं वो रुक जाते हैं। कई बार जीवन में बहुत डिप्रेशन, तनाव और नेगेटिविटी में हम डूब जाते हैं। अपनी जो हालत है, जो परेशानी, हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाते, तो बहुत भयावह स्थिति में राहु एक व्यक्ति को किसी चौराहे पर लाकर छोड़ देता है। इसलिए ऐसे सिचुएशनों में व्यक्ति ब्लैंक हो जाता है। इसलिए कभी भी ये सिचुएशन अगर चल रही है वर्तमान, तो ये राहु की वजह से चीज़ें हो रही हैं। अब राहु की वजह से अगर कुछ चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही है तो इसका समाधान भी होना चाहिए, इस चीज़ से हमें बाहर भी आना चाहिए। तो कैसे बाहर आए वो भी आप इस वीडियो से समझ लें। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर ये वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, अगर ये जो सिचुएशन है आप जो देख रहे हैं या आपके साथ मिल रही हैं या आप इससे परेशान हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सअप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस, उसका शुल्क लागू है दोस्तों। अब आपको मोटे तौर पर मैं बता देता हूँ कि इस पूरी परेशानी से, राहु के दस्तक देने से कैसे हम बच सकते हैं। सबसे पहले आपको काम करना है, जितनी जल्दी हो सके शरीर के ऊपर सोना धातु जो भी पहने हुए हो उतार दे। इसमें महिलाएं ना ऐसा करें, महिलाएं पहने रखें, लेकिन अगर पुरुष है तो कोई भी रत्न या धातु पहने वो उतार दें। महिलाएं कोई रत्न पहना हो तो वो उतार दें। दूसरा है, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है जिसकी नीड है, रोटी कपड़ा ये हमारी नीड है, इनका डोनेट करें। एक एजुकेशन करने वाले के लिए शिक्षा के सामान, तो जिसकी ज़रूरत से जुड़ी चीज़ें ना वो डोनेट करना शुरू करें। अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप जितना कर सके उतना करें। तीसरा है, शिव जी के शरणागत हो जाए, क्योंकि शिव जी नौ ग्रहों के महादेवता है। जैसे हम शिव जी के शरणागत होंगे, राहु के कई सारे प्रभाव से आप स्वाभाविक रूप से बाहर आ जाएंगे। तो यही एक सरल तरीका है जो राहु के प्रभाव से आप बच सकते हैं। बाकी और चीज़ों के लिए आप स्क्रीन पर नंबर चला, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।